नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मदन महल थाने में बीते दिनों पीड़ित सचिन श्रीवास द्वारा क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के खिलाफ अवैध वसूली करने और मारपीट करने जैसे आरोपों की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मदन महल थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से देसी पिस्तौल और कट्टा भी बरामद किया गया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद विधिवत कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी मदन महल प्रवीण ध्रुवे ने बताया कि दोनों ही आरोपी अद्यतन अपराधी और शहर के विभिन्न स्थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसको श्रीनगर में घटना घटित हुई है, जिसमें कुछ बदमाशों के द्वारा फायरिंग घटना की गई है और फरियादी से मारपीट की गई है। फरियादी सचिन श्रीवास और अमित पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनकी रिपोर्ट पर से धारा 327, 324, 2527 सांसद के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त घटना पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दो आरोपी अभिषेक गोस्वामी और यश तिवारी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से देसी पिस्टल कट्टा बरामद हुआ है, चाकू बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। सर, इनके कुछ पुराने अपराधी हैं? इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, अन्य थानों के आपराधिक रिकॉर्ड इनके हैं, पाए गए हैं और इनके द्वारा थाना गढ़ा और थाना लॉर्डगंज और थाना मदन महल में अपराध घटित किए गए हैं। वहाँ की टीम भी आई थी और उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है अपने अपने प्रकरणों में। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।